नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स विद ब्रोज में। तो जी, बात यह है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो व्हाइट बॉल की सीरीज थी वो हो चुकी है फारिक, वो खत्म हो चुकी है। 2-2 से वो सीरीज दोनों टीमों के नाम रही, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने अपना रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रखा कि इंडिया में अभी तक के भैया वो कभी सीरीज हारे नहीं है T20 की। तो 2-2 से सीरीज बराबर रही। कल लास्ट मुकाबला था बेंगलुरु में, जो बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया और सीरीज से कुछ पॉजिटिव निकल के आया, जो रात की वीडियो में हमने बात कर ली। लेकिन बात यह है कि अब कारवा जो है वो पहुंच चुका है इंग्लैंड। इंग्लैंड व्हाइट बॉल जो अब खेल रहे थे हम लोग T20 सीरीज, वहां से कारवा पहुंचा है टेस्ट क्रिकेट की तरफ। तो बॉल्स भी बदलेंगे, व्हाइट बॉल T20 में खेला जाता है तो वही रेड बॉल जो है वो टेस्ट क्रिकेट में खेला जाता है। और बात हम लोग यही करते हैं कि इंडिया जब इंग्लैंड जाता है या फिर कोई भी विदेशी धरती पर जाता है खेलने के लिए, तो क्यों कंडीशंस इतने मैटर्स करती है, क्यों गेंद जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्यों भारत को टफ कंडीशंस मिलती है, क्यों भारत को टफ कंडीशंस वहां पर जाकर लगती है जहां पर बॉल स्विंग होता हो, सीम होता हो, बाउंस होता हो। तो तीन बातें मैंने कही, स्विंग, सीम और बाउंस। इंडिया घर पे खेलते हैं तब आप स्पिनिंग ट्रैक पर खेलते हो। बात आज यही करेंगे कि किस फैक्टर की वजह से ये होता है। तो देखिए, फैक्टर ये है कि बॉल आपके टेस्ट क्रिकेट में तीन यूज होते हैं, जो कि इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो SG टेस्ट का बॉल यूज होता है। वही कुकापुरा का अगर बात करें तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे। तो ये आपके 6 कंट्रीज में कुकापुरा बॉल यूज होता है। और ड्यूक्स का बॉल जो है वो इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज में होता है। अब जबकि हम इंग्लैंड में बात कर रहे हैं तो हम लोग आज बात करेंगे SG वर्सेस कुकापुरा वर्सेस ड्यूक्स बॉल। ये होता क्या है, ड्यूक्स बॉल क्यों तीनों बॉल्स अलग अलग कंडीशन में अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं, कौन सी टीम क्यों ज्यादा प्रेफर करती है कौन सी गेम से खेलना, कौन से खिलाड़ी सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर पसंद करते हैं कौन सी गेम से खेलना, आज की इस वीडियो में आपको हम लोग बताएंगे। बात यह है कि इंडिया में SG टेस्ट से खेला जाता है। पहले हम लोग SG टेस्ट की बात करेंगे। तो बात यह है कि SG टेस्ट आपको पता होगा कि SG कोई सुनील गावस्कर नहीं है या फिर कोई सौरव गांगुली नहीं है। बात यह है, हिस्ट्री हम लोग जानेंगे पहले। तो सेंसपेरियल ग्रीन लैंड SG की कंपनी जो मेरठ में 1950 से है, इस्टैब्लिश 1931 में हुई थी। सेंसपेरियल दो भाइयों की थी, केदारनाथ और द्वारकानाथ आनंद की। 1940 में इस्टैब्लिश हुई थी एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए और बाद में ये टेस्ट क्रिकेट के सामान बनाने में इसका यूज होता है, इस कंपनी का। और टेस्ट क्रिकेट जैसे रणजी क्रिकेट हो गया उसके भी मैन्युफैक्चर करते हैं बैट्स, बॉल्स और इंटरनेशनल के लिए बॉलिंग वगैरह जो भी है इंडिया के। तो अगर SG टेस्ट की पहले बात करें तो पहले अगर सीम की बात कर लेंगे, स्टिचिंग। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टिच। हर बॉल में आपको पता होगा कि 6 स्टिच होते हैं, 2 बाहर, 4 बाहर और 2 जो होते हैं वो अंदर होती है। तो इसमें भी वेराइटीज है। SG टेस्ट का बॉल जो है वो तकरीबन ड्यूक्स के साथ मिलता है। अगर आप कलर भी देखो तो इसका गाढ़ा रंग होता है, लाल गाढ़ा, हल्का सा ब्लैकिश रेड। और कुकापुरा अगर देखो तो आप पूरा रेड रहता है, वो कोई ब्लैकिश नहीं रहता। तो SG टेस्ट और ड्यूक्स का बॉल अगर आप देखो कलर के हिसाब से तो दोनों का तकरीबन कलर जो है वो सेम रहता है। और कलर सेम होने की वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी सेम रहती है। और सीम जो होती है ना, हम लोग जो व्हाइट सीम देखते हैं गेंद के ऊपर, जैसा गेंद होता है और बीच में जो व्हाइट सीम होती है वो 6 लेयर की होती है। पहली 2 लेयर हाथ से बनी होती है, दूसरी भी लेयर हाथ से बनी होती है और तीसरी भी लेयर जो है वो हाथ से बनी होती है दोनों साइड की। तो SG टेस्ट की जो बॉल है और ड्यूक्स की बॉल है दोनों की जो है स्टिचेस हैंडमेड होती है। और कुकापुरा की जो है वो सिर्फ अंदर की हैंडमेड होती है और बाहर की जो दो है, बाहर की जो दोनों साइड के 2-2 स्टिचेस है वो मशीन की बनाई होती है। इसीलिए SG टेस्ट का बॉल अगर आप स्पिनिंग ट्रैक्स में देखो तो फंसता है, स्पिन ज्यादा होता है, क्योंकि जो आपकी सीम है वो ऊपर रहती है, वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड रहती है। और कुकापुरा की अगर देखो तो वो दबी हुई रहती है, ज्यादा दबी नहीं रहती, बट इन कंपैरिजन टू ड्यूक्स SG
हुकाबुरा की जो सीम है बाहर के वो हल्की सी दबी हुई रहती है और एसजी टेस्ट और ड्यूक्स की जो सीम है वो ऊपरी भाग से रहती है, विच मीन्स आपको ग्रिप होती है बॉल, सीम और स्विंग के लिए भी ये बॉल काफी अच्छी होती है। और इसमें वेदर कंडीशन भी काफी ज्यादा मैटर करता है क्योंकि एज वी नो कि इंग्लैंड में हम लोग जब जाते हैं तो ओवरकास्ट कंडीशन होता है, तो सीम ज्यादा होता है, स्विंग ज्यादा होता है, हवा अगर उनको मिले, क्योंकि लैकर जो है वो ज्यादा गाढ़ा रहता है, ज्यादा प्रोनाउंस उसकी सीम भी रहती है, उसी के वजह से उनको जो बॉलर्स को जो है वो मदद ज्यादा मिलती है स्विंग करने के लिए। और अगर सीम की बात करें तो क्योंकि उसकी सीम बाहर रहती है तो टप्पा पड़ने के बाद वो हरकत करती है, शरारत करती है वो गेंद, इसीलिए तो ये बात है कि क्यों एसजी टेस्ट की बॉल सीम की आपको बता दी। और वेदर कंडीशन जो है अगर आप इंग्लैंड में देखो, आप वेस्ट इंडीज में देखो तो क्लाउडी रहता है, ओवरसीज मतलब क्लाउडी रहता है वेदर, आपकी बारिश रहता है और कभी कभी हल्का सा ना ये रहता है कि यार अभी बारिश चली गई, अभी है ये रहते हैं क्या बोलते क्लाउड उसको जो गाढ़े रहते हैं, और कंडीशन अच्छी रहती है, हवाएं चलती रहती है, तो स्विंग अच्छा मिलता है, इसीलिए मिलता है क्योंकि उसका लैकर जो है वो सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है, काले रंग का होता है और उस तरीके से जो है वो होता है। अगर पर्टिकुलर एक एक गेंद की बात करें तो सबसे पहले अगर कुकाबुरा की स्टिचिंग करें, क्योंकि अब ऑब्वियसली हम तो कोई जर्नलिस्ट या फिर हम कोई ये तो नहीं है मीडिया मैनेजर या फिर बीसीसीआई के कोई, तो हम लोग अगर जाकर वहां पर कवर करें, लेकिन जो हम आर्टिकल्स में पढ़ के जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से और जितनी मेरी समझ है आर्टिकल के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे, ये तो मैंने आपको मेरा हिसाब से बताया कि मैं क्या समझता हूँ। अब आर्टिकल के हिसाब से अगर देखेंगे तो कुकाबुरा इज अ प्रीडोमिनेंटली अ मशीन स्टिच बॉल, जैसे मैंने बताया कि मशीन से स्टिच होता है, द टू इनसाइड रोज एंड आर हैंड स्टिच, जो अंदर का जो कहा मैंने आपकी छह स्टिच रहती है, एक दो तीन चार और अंदर की छह रहती है, जो बीच वाली होती है वो हाथ से बनी होती है और बाकी के जो दो जो है वो मशीन से रहता है। द सीम ऑफ कुकाबुरा बॉल इज मोस्टली एम्बेडेड इन द सर्फेस एंड हेंस डज नॉट स्विंग एज मच एज ड्यूक्स क्रिकेट बॉल। तो जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी, साउथ अफ्रीका में अगर आप देख लो तो कुकाबुरा बॉल वहां पर यूज होता है, और कुकाबुरा बॉल आई गेस और भी कंडीशंस में यूज होता है, एक सेकंड अगर आपको मैं बताऊं तो कुकाबुरा बॉल बिल्कुल आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, अब देखो पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की भी देख लो तो तकरीबन हम लोग जैसे बात करते हैं कि इंडिया जैसी कंडीशंस वहां पर मिल रही है, इसलिए हमारा जो दो पिछले सीरीज थे हमने जीते, एक तो बिना विराट कोहली के जीते, बिना शमी के जीते, बिना बुमराह इन लास्ट मैच, बिना अश्विन इन लास्ट मैच वो जीते, और हम लोग 2018 में एक सीरीज जीते थे जहां पर हमारी फुल फ्लेज टीम थी लेकिन प्रदर्शन काफी अच्छा था, और कुकाबुरा बॉल है तो हम लोग यही कहते हैं ना कि हमको थोड़ी बहुत तकरीबन कंडीशंस जो है वो इंडिया वाली मिल रही है, तो इंडिया वाली इसलिए मिल रही है क्योंकि आप देखो अगर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इनका कंडीशंस जो है वो थोड़ी सी तकरीबन इंडिया जैसी सेम हो रही है, और बॉल जो है वो ड्राई रहता है, ज्यादा बॉल घूमता नहीं है, लाल कलर का बॉल तकरीबन होता है अगर हम लोग बात करें, और कुकाबुरा का जो सीम होती है वो दबी हुई रहती है, इसलिए वहां पर स्पिन असिस्टेंस थोड़ी होती है। पाकिस्तान, श्रीलंका, आप देखो जिम्बाब्वे में देखो तो स्पिन अच्छा होता है, इंडिया में ऑलमोस्ट होता है, लेकिन इंडिया में तो एसजी बॉल यूज होता है, लेकिन कुकाबुरा की अगर देखो तो वहां पर स्पिन भी ज्यादा होता अच्छे से होता है, लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में देखो बाउंसी, साउथ अफ्रीका में तो यार देखो बाउंसी, न्यूजीलैंड में तो ठीक है थोड़ा बहुत स्विंग होता है, लेकिन इनको भी ड्यूक्स बॉल न्यूजीलैंड को यूज करना चाहिए, न्यूजीलैंड ने प्रेफर किया था कुछ आई गेस 2004 में या फिर 2005 में थोड़ा सा किया था, लेकिन अच्छा देखो दिस इज प्रिसाइसली द रीजन दैट स्विंग बॉलर अक्रॉस द वर्ल्ड प्रेफर्स द ड्यूक्स रादर देन द कुकाबुरा। इनफैक्ट इन 2017 न्यूजीलैंड क्रिकेट हैड एक्सपेरिमेंटेड विद द ड्यूक्स बॉल बिकॉज ऑफ द स्विंग इट प्रोवाइडेड टू देयर फ्रंटलाइन सीमर। वही है कि आपको सीम चाहिए, स्विंग चाहिए, तो आप सबसे ज्यादा प्रेफर करते हो ड्यूक्स का बॉल, और अगर स्पिन के लिए है तो आप कुकाबुरा और कुकाबुरा ही आप यूज करते हो। देखो इंडिया में भी अगर हम लोग खेलते हैं तो एसजी बॉल ज्यादा पुराना होने के बाद भी स्विंग करते होता है, वो तो बात अलायदा है कि इंडिया में वो कंडीशन नहीं होती, वो हवाएं नहीं होती जो आपको स्विंग होगी, तो उसी तरीके से जो है यह तीनों को बॉल का इतिहास है। आपको फिर से एक बार बता दूं कि बात है क्या, अब जैसे हम लोग इंडिया से इंग्लैंड जा रहे हैं, तीन आपको बॉल है, आपको पता है कुकाबुरा, एसजी और ड्यूक्स,
तो तीनों बॉल की सीम मैटर करती है, तीनों बॉल का कलर मैटर करता है, और खिलाड़ी भी ज्यादातर ड्यूक्स बॉल से खेलना पसंद करते हैं क्योंकि शरारत होती है, क्योंकि खेलने में मजा आता है, एक एडवेंचरस लगता है आप ड्यूक्स बॉल से अगर खेले। और एसजी बॉल तो आप देश में खेलते ही हो, कुकाबुरा से भी लगता है, लेकिन वही ये बाउंसी वापस स्विंग और सिम ज्यादा नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि कुकाबुरा का जो बॉल है अंदर के दो सिम्स जो है वो बस हाथ से बनी होती है और बाहर के जो है वो मशीन से, इसलिए वो बॉल दबता है, सिम ज्यादा नहीं होता, स्विंग ज्यादा नहीं होता, सिर्फ बाउंस पर निर्भर रहता है और हरकत नहीं होती। आपको अगर याद होगा गैबा का वो टेस्ट मैच जो ऐतिहासिक टेस्ट मैच हमने जीता, वहां पर नए बॉल से भी ना जो लास्ट इनिंग में जिस बॉल को हम चौका मारकर ऋषभ पंत ने जिताया था, वो बॉल भी देखो जब नया नया लिया गया था 80 ओवर के बाद, तब तो आई गेस कुछ 70 या 80 रन को चाहिए थे, तो तब भी देखो बॉल ज्यादा हरकत नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि कंडीशन वैसे नहीं थे, धूप खिली हुई थी और बॉल की सीम जो है वो दबी हुई है होती है, तो अगर उसको कंडीशन मिले तो ही वो स्टार्टिंग में थोड़ी शरारत करते। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में पहला 1-1.5 घंटा निकाल लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, वो बॉल अगर जैसे जैसे पुराना होते जाता है वैसे वैसे उसको खेलना इजी होता है। बट ड्यूक्स बॉल देखो और एसजी बॉल देखो, जैसे जैसे वो पुराना होता है उसको खेलना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रंग जो है उसका और गाढ़ा होते जाता है। अगर अच्छे से प्लेयर्स ने उसको रोटेट किया, अगर खिलाड़ी ने उसको अच्छे तरीके से मेंटेन अगर किया, पसीना आप लगाते हो, अगर अच्छे से तरीके से उसको शाइनिंग करते रहे तो बॉल काफी अच्छा है। एसजी टेस्ट और ड्यूक्स का बॉल क्यों सिमिलर है और क्यों ज्यादा लोग खेलने का प्रेफर करते हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया में खेलते हैं इन एसजी और ड्यूक्स की बॉल न्यूजीलैंड और नहीं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में इसलिए खेलते हैं क्योंकि कंडीशन टफ हो जाती है। तो वही है, इंडिया जब इंग्लैंड जाती है इसलिए इस साल जो है थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं किया इंडिया ने, और क्योंकि कंडीशंस भी थोड़ा सा पिच जो है वो आपको मैटर करती है, भले ही बॉल हो लेकिन पिच भी आपके मैटर करती है। तो बात यही है, कुकाबुरा की जो है सीम दबी हुई होती है इसलिए वो ज़्यादा स्विंग नहीं होती है, सीम नहीं होती, और ड्यूक्स की जो है वो प्रोनाउंस ज़्यादा रहती है, वो हाथ से बनाई हुई रहती है, सीम उसकी बाहर रहती है, लैकर उसका गाढ़ा कलर रहता है, कुकाबुरा का रेड रेड रहता है, जो रेड हार्ट हम लोग कहते हैं उस तरीके से रेड रहता है, और जो एक अगर आपको बॉल लग जाए तो वो जो आपका खून जो है वो जैसे गोट जाता है ना, अब एक जगह पे अगर वो जमा होता है तो कैसे लाल लाल होता है, उस तरीके से वो गाढ़ा लाल काले कलर का वो बॉल होता है ड्यूक्स का। और एसजी टेस्ट का भी अगर आप देखो, जैसे जैसे पुराना हो जाए, मेंटेन अगर अच्छे से करो तो वो भी बॉल वैसे ही हो जाता है। तो इसीलिए जो है कंडीशन टफ होती है इंग्लैंड में, इसीलिए जो है वो आपको थोड़ा सा स्विंग और सीम से बच के रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं इंडियन टीम। बात यही है, जब पास में हम लोग आएंगे एक दिन पिंक बॉल टेस्ट के ऊपर भी बात करेंगे, पिंक बॉल जो एसजी का होता है, कुकाबुरा होता है और ड्यूक्स का होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरीके से वो शरारत करता है। आज सिर्फ रेड बॉल की हमने बात करी, आगे आने वाले समय में हम लोग पिंक टेस्ट की पिंक बॉल के ऊपर भी बात करेंगे, और भी है कि जैसे हिस्ट्रीज हो गए, अब आपको पता होगा राजदीप देसाई हमारे एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उन्होंने डेमोक्रेटिक 11 उन्होंने बनाई थी, उनकी बुक है, एक एक खिलाड़ी के ऊपर बात करेंगे, सचिन तेंदुलकर का नाम उसमें शुमार है, कपिल देव, आपके एमएस धोनी, विराट कोहली, दिलीप सरदेसाई है, बिशन सिंह बेदी और ऐसे कई कई खिलाड़ी हैं जिनकी हिस्ट्री के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्या उन्होंने किया था, जैसे फिक्सिंग सागा है जो 2007 में हुआ था जिससे काफी सारा बवाल मचा था, अजहरुद्दीन वाला केस 2001, 1983 वर्ल्ड कप के बाद का जो हुआ था उसके ऊपर बात करेंगे, 1994 में जो फिक्सिंग का हुआ था, या फिर जो भी है, सब सारी हिस्ट्री सारी क्रिकेट की आपको अपडेट जो है वो स्पोर्ट्स विद ब्रोस पर ही मिलेगी। इसलिए आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए और बहुत कुछ आपके समक्ष हम लोग लाने वाले हैं। तब तक आपको स्पोर्ट्स विद ब्रोस को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है और सपोर्ट करते रहना, वीडियोस को लाइक जरूर करना है।